सो so, भाई आपके बायो में लिखा हुआ इंस्टाग्राम के highest मेडल्स इन द लास्ट टू years पिछले छः महीने में हम थर्टी प्लस गोल्ड निकाल चुके हैं ये तो आई थिंक पूरे हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट है

कि वो हजार वाला प्रोटीन या ढाई हजार वाला प्रोटीन दोनों एक किलो है दोनों वे प्रोटीन है बट फर्क क्या है आमतौर पे बहुत सारी ब्रांड्स जिन्होंने इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया है दे हाँ जी उनकी जो होती है ना एक तरह से बॉडी के लिए अडेप्टेबिलिटी वो बता देती है आपकी कि हाँ क्वालिटी चेंज हुई है बट जीएनसी इट्स लाइक कि जो भी सप्लीमेंट्स मैंने तब के ट्राई करे हुए हैं ना ए मैंने तब का कर ट्राई करा हुआ तो इट्स लाइक स्टेबल पहले मेरा तो सिंपल सा मानना है या तो पाँच सौ हजार रुपये अभी बचा लो हाँ. या डॉक्टर को लाख रुपए देने के लिए रेडी हो जाओ पाजी वेलकम मतेंद्र पाजी हमारे पॉडकास्ट का नाम है डी कोड फिटनेस विद जी एन सी एंड हमारे पॉडकास्ट में हम ट्राई करते हैं डी कोड करना लोगों के मिथ्स मिसकनसेप्शंस एंड प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करना हमारी ऑडियंस को गॉट इट सो भाई आपके बायो में लिखा हुआ इंस्टाग्राम के हाईएस्ट मेडल्स इन द लास्ट टू इयर्स गोल्ड मेडल्स एंड अचीवमेंट्स जी सो so, थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए प्लीज़ सो uh, so, अनुराग भाई जी जो एज अ जिम ओनर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी राइट बाय एजुकेशन जो मेरा बैकग्राउंड है दैट इज़ बैचलर इन फार्मास्यूटिकल साइंसिस और उसके बाद जॉब में मन नहीं लगा तो फिटनेस में आया मैं अपना जिम स्टार्ट किया अपने होम टाउन में अनंतपुर साहिब में देन फिर वहाँ से निकल के मैं चंडीगढ़ आया 2018 में और टेक्निकली 2019 में एज अ प्रेप कोच मेरी फुल एंड फ्लैच जर्नी स्टार्ट होती है बिकॉज मेरा जो मूव करने का चंडीगढ़ मूव करने का जो रीज़न था वो यही था कि okay. मुझे एक प्रैप कोच बनना है ओके okay. अब हमारा होमटाउन छोटा था वहाँ पे मुश्किल से मेरे को एक या दो लड़के मिले प्रैप करवाने के लिए और उनमें से भी एक लड़के ने प्रैप अपनी कंप्लीट करी ओके okay. तो वो एक मन में रहता है कि यू आर बॉर्ड टू डू समथिंग राइट तो बिज़नेस का था मन में कि हाँ बिज़नेस खुद का करना है लेकिन इंटरेस्ट फिटनेस में आया तो फ़िटनेस के बिज़नेस में हो ल okay. और फ़िटनेस में आए तो बॉडी बिल्डिंग ने थोड़ा मतलब ज़्यादा अपनी ओर खींचा मुझे है ना मुझे लगा कि ये चीज़ ऐसी इंटरेस्टिंग है जिसको आई थिंक कि मैं मतलब कुछ भी करूँ चाहे लाइफ में आगे चल के है ना चाहे बिज़नेस मेरा जितना मर्जी ग्रो हो जाए लेकिन बॉडी बिल्डिंग प्रेप एज अ कोच एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं बिना थके बिना रुके या बिना बोर हुए कर सकता हूँ ओके सो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई देन एथलीट्स आने शुरू हुए अच्छे एथलीट्स आए एज अ कोच जो आगे भी आने वाले कोचेस हैं है ना जो एथलीट हैं आगे चल के कोच बनने का ड्रीम भी देखते हैं तो एक फिलॉसफी जो मैंने अप्लाई की और जो मैं समझता हूँ कि हर किसी को अप्लाई करनी चाहिए कि हमेशा अपरचुनिटीज़ को फाइंड आउट करते रहो अच्छी ऑपरचुनिटीज़ अच्छे एथलीट्स आपको मिलेंगे आपकी नेचर आपका वे ऑफ हैंडलिंग और आपका कनेक्शन अपने एथलीट्स के साथ क्या है अपार्ट फ्रॉम द गेम दैट सेट्स यू अपार्ट आई एग्री इसी फिलासफी में मैं चला तो अच्छे एथलीट्स मिले उनके साथ अच्छे बॉन्ड बने तब जाके अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हुए एंड दो हजार शेरू क्लासिक चंडीगढ़ वहाँ से एक प्रोकार्ड जो पहला था वो आया देन वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई मेरी जर्नी वहाँ से एक्चुअली मैं मानता हूँ कि एज अ प्रोलिफिक बॉडी बिल्डिंग प्रेप कोच मेरी जर्नी स्टार्ट होती है एंड आफ्टर दैट आई थिंक उसके बाद uh, मैंने रुक के देखा नहीं है क्या बात है? तो लास्ट uh, तीन साल में तो 300 के आसपास गोल्ड मेडल्स हो चुके हैं एंड okay. फिफ्टी uh, प्लस ओवरऑल टाइटल्स हो चुके हैं और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि बेशक एज अ प्रेप कोच एक काम करने का स्केल मेरा ऊपर जा चुका है लेकिन अभी भी मैं बिगिनर्स के साथ अभी भी काम करता हूँ ओके okay. तो मतलब कोई भी फेडरेशन ऐसी नहीं है जिसमें मेरे एथलीट्स ने मेडल ना जीते हों या ओवरऑल टाइटल्स ना जीते हों और आई थिंक कि कोई भी स्टेट ऐसी नहीं है वेरी नाइस बात और उसके बाद देन कैनेडियन प्रो क्वालिफायर्स में हमारा सिल्वर है देन अभी ऑस्ट्रेलिया में कमिंग सीजन में मेरे दो एथलीट्स खेल रहे हैं सो इट्स गेटिंग ऑन एंड ऑन तो भाजी एज अ कोच आपके ऊपर तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू ट्रेन योर एथलीट्स बिगिनर्स लेवल से जीरो से स्क्रैच से ट्रेन करना जी आप भी ब्रेक ब्रेकडाउन होते हो गए आई एम हंड्रेड परसेंट और आप भी थकते हो गए भाई जी थकने की बात नहीं है एक्चुअली देखो जब मैं वही चीज़ आपको बोल के आता हूँ कि Uh, मैंने चूज़ ही बॉडी बिल्डिंग प्रैप कोचिंग इसलिए की थी ताकि मैं बिना थके कर सकूं इस काम को ओके बट समटाइम्स आपको एक प्लान्ड ब्रेक्स लेने पड़ते हैं अभी uh, जो पिछला साल गया दैट वाज अ प्लान्ड ब्रेक ओके क्योंकि मुझे अपने बाकी बिजनेसेस इस्टेबलिश करने थे, थे और वो एक टाइम था कि आई थिंक मैं सोचता हूँ कि आफ्टर फोर एंड हाफ़ ईयर्स है ना मेरे बेबी का एक वो एज स्टार्ट हो जाता है उसके बाद जहाँ पे एक्चुअल में एक फादर और सन का बॉन्ड बनना शुरू होता है जहाँ पे हाँ एक बच्चा अपने डैडी को एक हीरो की तरह या एक रोल मॉडल की तरह देखना शुरू करता है हाँ जी तो आई थिंक कि वो टाइम मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था पिछला एक डेढ़ साल जहाँ पे मुझे अपने बच्चे के साथ एक कनेक्शन बिल्ड करना था तो दैट वाज अ सेमी ऑफ टाइप ऑफ थिंग है ना बट अब वो चीज़ें बन चुकी हैं वी आर ऑन एंड ऑन है ना मैं और मेरा बेबी एक साथ हम खेलने भी जाते हैं सारे काम करते हैं तो वो एक चीज़ ना रिदम में बैठ चुकी है अब क्या बात सो so, पिछले अब तीन महीने से आई थिंक कि इट्स तीन नहीं छः महीने बोल सकते हैं छः महीने से इट्स ऑन अगेन और पिछले छः महीने में हम थर्टी प्लस गोल्ड निकाल चुके हैं क्या बात है भाजी ये तो आई थिंक पूरे हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट है एब्सोल्युटली भाजी एंड ईच एंड एवरी वन चाहे वो एथलीट्स हैं उनके पेरेंट्स हैं मी एज अ कोच वी ऑल टुगेदर एज अ टीम इट्स अ वंडरफुल थिंग एंड द मेन थिंग इज़ हारमनी बिटवीन द टीम सो इट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी आई एग्री अग्री आई एग्री तो पाजी सबसे ज्यादा जो अभी इंडिया में ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है दैट इज सेवेंटी परसेंट प्रोटीन इज मिसलेबल्ड जी काफ़ी सारे ब्रांड्स का उसमें चेक हुआ है सो mm -hmm. so उस पर आपका क्या टेक है क्योंकि जब ऐसा कुछ भी बड़ा स्कैम uh, लगा लो या बड़ी चीज़ आगे आती है कंज्यूमर्स के पास तो इंडियंस इंडियंस का हर बंदा डर जाता है कि यार प्रोटीन नहीं लेना पहले ही हमारे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा मिथ है दैट प्रोटीन इज स्टेरॉइड प्रोटीन से बल्किंग हो जाती है प्रोटीन mm. से हम और ज़्यादा ब्रॉड लगेंगे तो थोड़ा उस पर आप बात करना चाहें प्लीज़ मिस लेबलिंग पे सब सबसे सबसे पहले भाई अगर मिस लेबलिंग की हम बात करें तो आई थिंक इट्स बीन टू मोर देन टू इयर्स कि मैंने किसी ब्रांड के साथ एसोसिएट होने का सोचा है फुल एंड फ्लैज एक दो साल का गैप था मेरी पिछ, पिछली प्रीवियस एसोसिएशन और जीएनसी के साथ जो अब एसोसिएशन शुरू हुई है इसके बीच में मैंने कोई ब्रांड पिक नहीं किया और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है दैट आई हैव टेस्टेड सो मैनी ब्रांड्स आते भी रहते हैं फ्री सैम्पल्स भी आते रहते हैं यू नो लेकिन किसी ब्रांड को पिक ना करने का रीज़न यही था कि हाउ आई कैन एंडोर्स समथिंग है ना जो कि एक क्रेडिबिलिटी नहीं रखता है देन आई थिंक कि उसमें कई पेड अपॉर्चुनिटीज भी थी लेकिन वाई आई डिसाइड टू गो विद जी एन सी बिकॉज इट्स नॉट जस्ट वन और टू ईयर्स दैट आई यूज जी एन सी आई ट्राइड माई फर्स्ट एवर जी एन सी सप्लीमेंट टेन ईयर्स बैक ओके दस साल से मैं मतलब वही सप्लीमेंट लेता आ रहा हूँ मल्टीवाइटामिन जी एन सी मेगा इट्स लाइक अ लेजेंडरी अगर हम बात करें मल्टी वाइटामस में तो वहाँ पे एक लेजेंडरी चीज़ है ना अब प्रोटीन्स की बात आ जाती है तो एक ना कंज्यूमर मैंटेलिटी पर जी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मैटर करती है और हमारी कंज्यूमर मैंटेलिटी एज इंडियन कंज्यूमर क्या है बहुत ही ज़्यादा एक तो प्राइस कॉन्शियस होकर हम चलते हैं ट्रू राइट right. उसके बाद प्राइस अगर चलो हम ले लेते हैं ना प्राइस पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके कोई अच्छा प्रोटीन ले भी लेते हैं मैंने पाजी बहुत बार ऐसे क्लाइंट्स को देखा है ना जो कंप्लेंट करते हैं कि पाजी आपकी रेफरेंस पे हमने ये दो तीन ब्रांड्स में से एक ब्रांड लिया था है ना और हमें फ्लेवर नहीं बढ़िया लगा फीका सा लग रहा है लेकिन जैसे जैसे एक प्रोटीन की सुपीरियर क्वालिटी होती जाएगी उसकी फ्लेवरिंग उतनी ही माइल्ड होती जाएगी तो आई थिंक कि प्राइस फैक्टर 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 देन टेस्ट टेस्ट काफ़ी अब को कवर कर चुके हैं लेकिन वही है कि हाँ थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं ले, ले, लेकिन लोग जाना नहीं चाहते उधर तो एंड ऑफ द डे अगर आप तीन हजार रुपए किसी प्रोटीन पे लगा रहे हो और आपको चार हजार के ऊपर एक बढ़िया प्रोटीन मिल रहा है एटलीस्ट आपको प्रोटीन तो मिल रहा है True. आपको स्किम्ड मिल्क प्रोटीन तो नहीं मिल रहा hmm. और लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि एक्चुअल में वे प्रोटीन कंसनट्रेट और स्किम्ड मिल्क प्रोटीन में भी क्या डिफरेंस है जबकि वो काउंट में एज अ प्रोटीन ही आएगा हाँ जी तो आई थिंक ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी इंडियन ऑडियंस को भी ये समझना जरूरी है कि एक क्वालिटी सप्लीमेंट पहली बात तो चीप नहीं आएगा आपको उस पर बजट लगाना पड़ेगा और उस चीज का फायदा ही क्या है कि एंड ऑफ द डे जब आप अपने फोर्टीज में या थर्टी फाइव की एज के ऊपर जाओ प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से आपको मस्कुलर पेन ये मतलब और बॉडी इश्यूज आने शुरू हो उससे पहले क्यों ना वही पैसा इन्वेस्ट किया जाए क्योंकि बाद में डॉक्टर के पास भी तो इन्वेस्ट करोगे ना सही बात मेडिसिन पे जाओगे फिजियोथेरेपी के सेशन लेने पड़ेंगे लोअर बैक इशूज आने शुरू होंगे और सबसे बड़ा लोअर बैक इशूज आने का सबसे बड़ा रीज़न ही ये लैक ऑफ प्रोटीन इंटेक खासतौर पर हमारी फीमेल्स में अगर मैं अपने पेरेंट्स को देखूं आई थिंक की अगर उनकी हेल्थ डिटीरियोरेट होने का एक तरह से मस्कुलर हेल्थ हम जिसको बोल सकते हैं वो डिटीरियोरेट होने का सबसे बड़ा रीज़न ही यही है कि दे वर नॉट सीरियस अबाउट द प्रोटीन इनटेक तो वो उनको करना ही पड़ेगा अपनी ऑडियंस को एक अच्छा प्रोटीन सप्लीमेंट चूज करना ही पड़ेगा जिसमें आपको अच्छे प्रोटीन कॉन्टेंट्स मिलें एक क्वालिटी कॉन्टेंट्स जिसमें आपको मिले उसमें वी हैव टू गो फॉर दैट भाई आपने जैसे प्राइस पॉइंट की बात करी हुँ. तो एक किलो प्रोटीन हिंदुस्तान में हजार बारह सौ से शुरू होकर चार साढ़े चार तक हजार तक जाता है जी डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांड जी डेली नए नए ब्रांड्स आते जा रहे हैं एवरी थ्री मंथ्स एवरी सिक्स मंथ्स लॉन्च हो रहे हैं नए ब्रांड्स पर नए ब्रांड कस्टमर को ना ये समझ ही नहीं आ रहा है कि वो हजार वाला प्रोटीन या ढाई वाला प्रोटीन दोनों एक किलो है दोनों वे प्रोटीन है बट फर्क क्या है वही जो मैं आपको बता के मिल्क प्रोटीन इंडियन लोग इंडियन उसके अंदर डाल रहे हैं इंडियन वे यस जी एन सी इज ऑल इम्पोर्टेड वे एब्सोलूटली इवन पाजी एक चीज़ बहुत हैरानी वाली है, है ना हमारे डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करने के टाइम पे प्रोटीन की क्वालिटी नहीं देखते हैं सही बात है जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के प्रोटीन्स आ रहे हैं है ना जो हम बच्चों को ये सोच के दे रहे हैं कि डॉक्टर ने लिख के दिया है तो सही दिया होगा हाँ जी आई थिंक उसमें सबसे ज्यादा मिसलेबलिंग है और बच्चों को वो चीज़ देनी इट्स नॉट अ गुड थिंग आई थिंक पर एक बहुत सिंपल सवाल लेमैन लैंग्वेज में पूछूंगा हमारी ऑडियंस हर तरीके की एथलीट्स भी हैं मिड लेवल एथलीट्स भी और बिल्कुल न्यू लोग भी हैं जो जिम शुरू शुरू कर रहे हैं जी. क्या प्रोटीन स्टेरॉयड है हम पाजी नहीं देखो एक सिंपल सी बात है कि जो भी लोग ये मानते हैं है ना कि प्रोटीन एक स्टेरॉयड है आई थिंक कि सिर्फ उनको एक बेसिक काम करना है उनको यूट्यूब खोलना है और उस पर जाके यही सर्च करना है हाउ वे प्रोटीन इज मेड राइट वे प्रोटीन एक अच्छे ब्रांड का स्टेरॉयड नहीं है हाँ जो आप हजार रुपये किलो में उठा रहे हो ठीक है और ये सोच के ले रहे हो कि एक डब्बा आपको पाँच से छः किलो का वेट गेन दे देगा दे प्रोटीन का वो स्टेरॉयड है उसमें स्टेरॉयड कंपोनेंट्स मिक्स किए गए हैं अमीनो अमीनोस्पाइक्ट भी हो सकता है अमीनो अमीनोस्पाइक्ट डेफिनेटली होगा लेकिन अमीनो स्पाइकिंग भी भाजपा ठीक है एक तरह से इम्प्योरिटी ही है अगर देखा जाए लेकिन बहुत सारे ब्रांड ब्रांड क्या जिनका कोई नामो निशान भी नहीं है ना मार्केट में बिक रहे हैं सही बात है क्यों बिक रहे हैं क्योंकि जो बिल्कुल रूरल पॉपुलेशन है है ना उनको अभी प्रोटीन के फंक्शंस ही नहीं पता है उनकी माने तो प्रोटीन लिया एक डब्बा प्रोटीन लिया तो मतलब आपका वेट बढ़ना चाहिए ठीक है रिजल्ट दिखने चाहिए जबकि एक सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है रिकवरी वे प्रोटीन का और वो यू कांट शो मतलब वो आपको मिरर पे दिखाई नहीं देगी ठीक है उसको आप सिर्फ फील कर सकते हो तो एक वे प्रोटीन के इम्पैक्ट को आप फील कर सकते हो राइट right? लेकिन जो एक स्टेरॉइड कंटेमिनेटेड प्रोटीन है जो आपको छः से सात किलो का गेंद दे रहा है हुँ, हुँ, वो एक्चुअल में स्टेरॉयड है True. तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना चाहिए अगर आप दस सेकंड में किसी को बताओ कि वो क्या मिल्क से बनता है एब्सोल्युटली भाई देखो सिंपल सी बात है कि लेमन लैंग्वेज में अगर हम बात करें दूध लिया जाता है देन उसको जो पनीर बनाने का प्रोसेस है चीज़ बनाने चीज़ का चीज़ बनाने का चीज अलग निकाल दिया जाता है जो पीछे लिक्विड बचता है ठीक है ना उसको ड्राई कंसनट्रेट फिल्ट्रेशन देन अगेन फिल्ट्रेशन 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 के कई प्रोसेस होते हैं और एक्चुअल में फिल्ट्रेशन के ही प्रोसेस होते हैं जो प्रोटीन की क्वालिटी को कंसनट्रेट आइसोलेट इनमें में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो बेसिकली दूध से बनी चीज़ है तो वेरी वेल एक्सप्लेन भाजी बहुत जरूरी है ये एक्चुअली बताना लोगों को बिकॉज जो नॉर्मल लोग हैं जो नॉर्मल लोग जिम नहीं जाते हैं वेजिटेरियन हैं एगेटेरियंस हैं नॉन वेजिटेरियन इतने सारे हो चुके हैं वर्ल्ड में नॉर्मल मील से आप प्रोटीन इनटेक बड़ा अपना कंज्यूम कर ही नहीं सकते हैं जो आपके बॉडी वेट के हिसाब से है एक्जैक्टली exactly. जो मेरा मानना है जितनी मेरे को नॉलेज है लिमिटेड नॉलेज है कि बॉडी वेट इंटू वन पॉइंट टू वन पॉइंट थ्री बेर मिनिमम आपको कंज्यूम करना चाहिए चाहे आप वर्कआउट करो ना करो आप कारपोरेट में हो आप ऑफिस में हो आप शॉपकीपर हो जी तो अगर आप एक छोटा सा मैसेज अगर आप ऑडियंस को देना चाहें जो लोग जिम नहीं जाते हैं कि क्या उनको प्रोटीन लेना चाहिए डाइट के थ्रू तो वो ले ही रहे हैं बट कंज्यूम नहीं पूरा नहीं हो पा रहा है तो वे प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा फर्स्ट ऑफ ऑल भाजी मतलब लोग मुझे ज़्यादातर जानते हैं दैट एज अ बॉडी बिल्डिंग प्रेप कोच बट आई कोच मोर देन वन हंड्रेड एंड फिफ्टीन लाइफ स्टाइल क्लाइंट्स करेंटली राइट नाउ ओके तो उनमें सब तरह के क्लाइंट्स हैं ठीक है हाउस वाइफ हैं कॉरपोरेट्स हैं ठीक है जी उसके बाद गवर्नमेंट जो ऑफिशल्स हैं है ना वो हैं इवन सेलेब्रिटीज़ हैं उसमें तो आ, फर्स्ट ऑफ ऑल वेजिटेरियन डाइट के थ्रू आप अपना कंप्लीट प्रोटीन कभी पूरा नहीं कर सकते जो कि हमारी मेजर इंडियन पॉपुलेशन है हाँ जी तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मुझे अगर मैं इंस्टाग्राम लाइव भी करता हूँ ना तो मैक्सिमम यही क्वेश्चन आता है कि वेजिटेरियन सोर्सेज में प्रो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज समझनी चाहिए जो आम पॉपुलेशन को समझनी चाहिए दैट इज कि देर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ कंप्लीट प्रोटीन एंड इनकम्प्लीट प्रोटीन जो वेजिटेरियन सोर्सेज हैं क्योंकि अगर हम इसमें जाएंगे डिटेल में नहीं जा सकते क्योंकि यू okay. नो you know, एक लंबा टॉपिक है इनकम्प्लीट प्रोटीन वो होते हैं जो आपकी बॉडी में मसल प्रोटीन सिंथिस के प्रोसेस को पूरी तरह से इनिशिएट नहीं कर पाते ओके कंप्लीट सोर्सेज होते हैं जो प्रॉपरली इनिशिएट कर देते हैं जिसमें ल्यूसिन आइसोल्यूसिन और वेलिन इनकी क्वांटिटी पूरी होती है okay. उस प्रोसेस को ट्रिगर करने की मसल प्रोटीन सिंथेसिस को ट्रिगर करने की तो एक सिंपल सी बात है कि वो सोर्सेज हैं नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज और हमारी पॉपुलेशन बचती है पीछे वेजिटेरियन मैक्सिमम जितने भी हमारे लाइफ क्लाइंट्स हैं या जितनी भी पॉपुलेशन है तो वहाँ पे एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स जो आपको मिलता है दैट इज जस्ट वे प्रोटीन और एक अच्छा प्लांट बेस्ड प्रोटीन इवन की दाल से भी आप यू कांट गेट कंप्लीट प्रोटीन ट्रू राइट क्योंकि उसमें तो वाटर हाँ ज्यादा होता है तो यही एक रीजन है कि इवन की दालें तो हमारे पेरेंट्स पाजी कब के खाते आ रहे हैं सही बात है ठीक है ना फिर तो उनके प्रोटीन काउंट पूरे रहने चाहिए थे फिर तो उनको ना ही कोई लोअर बैक की वीकनेस के कोई इश्यूज आने चाहिए थे ना ही उनको मसल पेन होनी चाहिए थी है ना लेकिन हो रही है क्योंकि कंप्लीट प्रोटीन मिला ही नहीं है मसल प्रोटीन सिंथेसिस बॉडी में हुई नहीं है सो बेसिकली एंड ऑफ द डे एक वेजिटेरियन बंदे के लिए एक वे प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाता है फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक सत्तर किलो का बंदा है तो उसको मतलब सत्तर ग्राम प्रोटीन चाहिए मिनिमम 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 चाहिए ठीक है हम अस्सी से नब्बे हो जाता है क्योंकि आ, अगर कोई बंदा पच्चीस हजार कमा रहा है महीने का सही ठीक है ना तो उसके लिए तीन स्कूप ऐड करना इट्स तो नॉट अवेबल ऑप्शन ट्रू लेकिन वहां पे आपको एटलीस्ट 50 ग्राम प्रोटीन मतलब दो स्कूप प्रोटीन के ऐड करने ही होंगे इतना आपको हेल्थ पे इन्वेस्ट करना ही होगा और उसके साथ दो एसेंशियल चीज़ें जो मैं हमेशा ही एक वेजिटेरियन बंदे को सलाह देता हूँ कि इन पर पैसा लगा लो उसके अलावा चाहे बाकी सब कुछ छोड़ दो वो है एक अच्छा वे प्रोटीन या प्लांट बेस्ड प्रोटीन अगर कोई वीगन है बिल्कुल वीगन है और उसके साथ एक मल्टीवाइटमिन मोस्ट प्रेफरेबली मेगा थैंक यू सो मच भाई थैंक यू क्या एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को जो जिम नहीं करता उनको प्रोटीन ज़रूरी है नहीं है मेरे मदर लेते हैं आपके मदर लेते हैं हाँ मेरी मोम भी लेती हैं हाँ शीज़ फिफ्टी एट वो ले रही हैं और मेरे पापा लेते थे राइट तो और क्या इससे ज़्यादा क्या है। <laughs> तीसरा टॉपिक जो फिर से अभी ट्रेंड में है जो लोग बात कर रहे हैं कि कार्डियो इम्पोर्टेंट है एब्सोलूटली भाई और वो क्यों है भाई फर्स्ट ऑफ ऑल हर्ट आपका एक मसल है राइट इट नीड्स टू बी ट्रेंड लाइक ऑल अदर मसल्स और ये डिपेंड नहीं करता कि आपको सिर्फ ट्रेडमिल ही करनी है या आपको ग्राउंड पे ही भागना है है ना एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी जो आपके हार्ट रेट को इनक्रीज़ करे फॉर अ प्रो पीरियड ऑफ टाइम इज़ नेसेसरी फॉर यू चाहे वो कुछ भी है चाहे वो कुछ भी है है ना जैसे अब मैं आ, मतलब यू नो you know, ट्रेडमिल करके बोर हो, हो गया है ना मेरे को कुछ चाहिए था तो आई स्टार्टेड प्लेइंग बैडमिंटन अगेन आफ्टर फिफ्टीन ईयर्स ओके तो वो दोबारा से इंटरेस्ट आया तो मोस्ट प्रॉबली अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर आई विल भी क्रॉसिंग थर्टी फाइव तो उसके बाद मास्टर्स टूर्नामेंट शुरू हो जाते हैं दैट आई विल भी प्लेइंग दैट तो अब मेरे फिटनेस गोल थोड़े उस टाइप के हो चुके हैं उस उस तरह पे मतलब इंक्लाइन कर रहे हैं तो कार्डियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको हर्ट की फंक्शनिंग पे काम करना ही पड़ेगा बिकॉज ये कभी रुकने वाला नहीं है जितनी आपकी ज़िंदगी है इसको चल नहीं है तो इसको भी ट्रेन करो आजकल जितने नए इन्फ्लुंस आ गए हैं ना बहुत न्यू न्यू लोग जिन जो फैट टू फिट हुए हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली बॉडी वेट लूज करा है हाँ। बॉडी फैट सॉरी मैंने मैं फॉलो करता हूँ कुछ कुछ लोगों को तो हर बंदा ना कार्डियो को ना ऐसा दिखाता है कि जरूरी नहीं है कि कार्डियो कर रहे हो तो आप कूल नहीं हो एक ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि आप कार्डियो हाँ। कर रहे हो आप कूल नहीं हो आप हाँ। वेट ट्रेनिंग कर रहे हो आप कूल हो तो उस पर थोड़ा अगर आप बताएं भाजी एक सिंपल सी बात बोलता हूँ कि जब आप अपने यंग ईयर्स में हो ना अंटिल 27 28 आप बहुत आराम से वेट ट्रेनिंग पे रिलाई कर सकते हो लेकिन उसके बाद बिकॉज भाजी हमारी जो रैपिड एजिंग हो रही है इससे कोई बच नहीं सकता जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस जो वर्क स्ट्रेस हमारे ऊपर पड़ रहे हैं पोल्यूशन एब्सोल्यूटली तो वो हमारी रैपिड एजिंग में रिस्पॉन्सिबल हैं और उसको हम ना चाह के भी मतलब अवॉइड नहीं कर सकते तो वहाँ पे हमेशा ही आपका मेटाबॉलिज्म है आपकी एजिंग के साथ स्लो होगा ओके okay. तो वहाँ पे आपको मेटाबॉलिज्म को फास्ट रखने के लिए डेफिनेट सी बात है वेट ट्रेनिंग आपको चाहिए ही चाहिए hmm. उसका कोई बदल नहीं है उसका कोई तोड़ नहीं है लेकिन विद एजिंग कार्डियो शुड बी एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन योर रेजिमेंट सिर्फ वेट ट्रेनिंग से कई बार आप पूरे दिन की जो आपका एक तरह से सीडेंट्री लाइफ है उसको आप काउंटर नहीं कर पाओगे hmm. जब आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो होना शुरू होगा तो आई थिंक कि कार्डियो को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए कार्डियो इज कूल टू बी कार्डियोज कल बिकॉज कूल वही होता है भाजी जो आप इंटरनली फील करके मतलब उसके साथ सेटिस्फाई हो पाओ है ना दिखाने में कूल cool है कब तक दिखावे में कूल cool रहोगे सही बात है ठीक है ना एंड ऑफ द डे आपको भी पता है कि हाउ योर हेल्थ इज सफरिंग तो ठीक है अभी यंग है चल रहा है काम बिना कार्डियो के चल रहा है लेकिन एक चीज है भाजी कि मेरा कोई भी एथलीट ऐसा नहीं है जो ऑफ सीजन में भी कार्डियो नहीं करता ओके okay. मिनिमम कार्डियो इज थर्टी टू फोर्टी फाइव मिनट्स मेरे हर एक एथलीट का डेली इवन ऑन द संडेज ओके हाँ ये रहता ही रहता है दो फायदे एक तो आपकी हार्ट हेल्थ सही रहेगी दूसरा आप जब फास्टेड कार्डियो करोगे इट इज अ वंडरफुल टूल एक्चुअली टू अकोमोडेट मोर फूड आप और ज्यादा फूड अपने डेली इनटेक में एज अ बॉडी बिल्डर एड ऑन कर पाओगे बिकॉज सुबह उठ के जब आपने कार्डियो कर लिया तो सुबह से ही एक नीड जनरेट होनी शुरू हो चुकी है तो जब भी मुझे कई बार फूड पुश करना होता है किसी एथलीट का पीक ऑफ सीजन में तो मैं वहां पर हमेशा कार्डियो एड ऑन करता हूँ पारी जैसे फास्टेड कार्डियो की आपने बात करी एल कार्नेटाइन लोग लेते हैं लिक्विड या टैबलेट प्री वर्कआउट तो क्या वो फास्टेड कार्डियो ब्रेक करता है भाजी टू बी ऑनेस्ट देखो एल कार्टीन एज सच कोई मेजर रोल नहीं रखता है ओके फैट लॉस में ओके okay. उन लोगों में जिन लोगों में डेफिशिएंसी है वहाँ पे वो काम आ सकता है बट एक बंदा जो ऑलरेडी अपनी डाइट में सारे के सारे वाइटाम वगैरह प्रॉपर ले रहा है आई थिंक कि उसको एल कार्टीन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है एज एन एथलीट ओके एज एन एथलीट क्योंकि एथलीट्स का मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी फास्ट रहता है हाँ जी तो वहाँ पे मतलब एल कार्निटिन कोई मेजर इम्पैक्ट प्ले नहीं करती एट अ फास्टेड कार्डियो ओके फास्टेड ही रहेगा हाँ हाँ ठीक है ओवरऑल डे में हम मान सकते हैं कि हाँ ठीक है एक अच्छा ट्रांसपोर्टर है कार्निटिन फैट का वो भी hmm. आपके इंट्रा सेलर लेवल्स पे hmm. तो लेकिन उसके बाद अगर फास्टेड कार्डियो में कार्नेटीन इज नॉट दैट मच इम्पैक्टफुल एंड प्री वर्कआउट अगर लेते हैं तो फास्टेड कार्डियो ब्रेक होता है मतलब फास्टिंग ब्रेक होती है सॉरी नहीं फास्टिंग नहीं नहीं और अल कार होती I, I don't think so. इतना ठीक नहीं नहीं हाँ। है तो भाजी एक ना सफ़ेद पाउडर है जो अभी अभी फेमस होने लगा आ तो बहुत सालों सेटीन क्रेटीन लोग क्रेटीन को ना डरने लग गए हैं लोग क्रेटीन से कि मेरा हेयर लॉस हो जाएगा Hmm. मेरी बॉडी पे इम्पैक्ट देगा hmm. तो थोड़ा सा अगर आप प्रोडक्ट रिसर्च सप्लीमेंट वाइफ वॉज यूज टू बी मिक्स मार्शल आर्टिस्ट ओके राइट एंड दो साल पहले उन्होंने भी बेबी की वजह से अभी छोड़ा को, hmm. लेकिन, uh, है लेकिन थ्रू आउट हर करियर है उन्होंने क्रेटीन यूज भी किया है ना और मैं भी करता रहा हूँ और अब जब से मैं बैडमिंटन खेलने लगा हूँ दोबारा से मैंने दोबारा से रेगुलर बेसिस पे क्रीटीन को ऑन किया है हालांकि आई एम नॉट ट्रेनिंग लाइक एन एथलीट तो क्रिटीन बेसिकली अगर किसी को हम वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल सप्लीमेंट मान सकते हैं अपने स्ट्रेंथ और एंडरेंस के लिए दैट इज क्रीटीन ओके क्योंकि सबसे ज़्यादा रिसर्च भी है सबसे ज़्यादा पुराना भी है और दिस इज़ अ नॉनसेंस अगर हेयर uh, लॉस की बात करें या क्रिटीन आप नहीं भाजी मतलब और इस चीज़ को एड्रेस करना आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो सोशल मीडिया पे यंग जनरेशन जो अभी अभी जिम जाना शुरू कर रही है ना वो एक्चुअली इन मिथ से घिरी हुई है ट्रू हम तो निकल चुके हैं ठीक है हमारे एथलीट्स भी निकल चुके हैं अभी तो मेरा पिछला एक साल तो इसी चीज़ में निकला है अपने एथलीट्स को समझाने में कि प्रेप के टाइम पे भी क्रिटीन वाटर होल्ड नहीं करेगा नहीं करता है बेसिकली नहीं करता है वाटर होल्ड कब होता है जब आप जंक खाते हो अच्छी खासी आपकी प्रेप चल रही है वहाँ पे आप जंक लेके आओगे तब वाटर रिटेंशन होगी हाई सोडियम हाई फैट मील्स को लेके आओगे तब वाटर रिटेंशन होता है एस सच क्रिटेन से नहीं अभी नेक्स्ट वीक मेरे दो एथलीट खेल रहे हैं अभी उनके पीक वीक शुरू होने हैं लेकिन अभी तक उनका क्रिटीन चल रहा है सो इट इज दैट सेफ दैट्स रिलायबल एंड दैट दैट इफेक्टिव तो आई थिंक थिंक्रिटेन हर किसी के लिए एक बेनिफिशियल सप्लीमेंट है चाहे वो बिगिनर है चाहे वो इंटरमीडिएट है चाहे वो एडवांस है इवन कि अगर कोई रनिंग भी कर रहा है है ना एनी टाइप ऑफ एथलेटिक एक्टिविटी भी कर रहा है Not just weight training है ना, तो उनके लिए भी क्रेटी एक बहुत ही बेनिफिशियल सप्लीमेंट है अभी हमने रिसेंटली भाजी दो फ्लेवर में लॉन्च करा है ब्लूबेरी एंड क्रैनबेरी एंड वो विद इन अ फ्यू डेज बेस्ट सेलर बन गया हमारा हाँ. क्योंकि हमारा जो क्रेटीन है एज सप्लीमेंट इज लैब टेस्टेड एंड नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन प्योरूटलीट्स वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग सप्लीमेंट्स फॉर अस एंड फॉर अदर ब्रांड ऑल्सो जी मैं सिर्फ जी एन सी की बात नहीं करूँगा यहाँ पे बट मेरा एक मानना है कि क्रेटीन जो क्वेश्चन आते हैं हमारे को एक सिंपल सा सवाल पूछूंगा एज अ न्यू बी एज अ रुकी पर्सन जो आप समझाएं किसी को भी कि अभी उसको हफ्ता दस दिन हुए हैं जिम शुरू करे हुए ऐसे दो तीन सप्लीमेंट्स अगर आप सजेस्ट करना चाहें एक टू पर्सन टू अ न्यू फीमेल और अ मेल कि क्या लेना चाहिए देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि जो मेरा एक तरह से पर्टिकुलर अप्रोच रहता है जो पहले तीन से चार वीक है मैं हमेशा उसमें प्रेफर करता हूं कि बंदा पहले डाइट को एडहेयर करें बिकॉज दैट इज गोइंग टू ले डाउन द फाउंडेशन और जब वो डाइट पे फोकस करने लगता है हाँ जी उसके आधी रिकवरी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं देन फिर आता है वे प्रोटीन ओके राइट देन मल्टीवाइटामिन एंड क्रीटीन तो ये तीन चीज़ें हैं जो कोई भी बिगिनर अगर वो डिसिप्लेंड है अपनी अप्रोच को लेके ही और शी कैन गो विद दीज थ्री बेसिक सप्लीमेंट्स भाई जी इंडिया में ना ब्लैक मार्केट है वे प्रोटीन की हम सबको पता है बहुत टाइम से सफर करते आ रहे हैं बहुत टाइम से हम सफर करते आ रहे हैं कि ब्लैक मार्केट इंडिया में फेक फेक प्रोटीन इंग्रेडिएंट्स जी लो क्वालिटी फ्लेवर्स लो क्वालिटी कोकोआ लोग यूज करते हैं जी. एक कंज्यूमर को पता कैसे चलेगा कि उसने वे प्रोटीन ऑनलाइन लिया है ऑफलाइन लिया स्टोर से लिया है hmm. कि वो असली है नकली आपके हिसाब से अगर किसी को इन लेमैन लैंग्वेज और सिंपल वर्ड्स आपको समझाना हो क्या एक डब्बा है आपने ट्रेनर से चाय खरीदा वो असली है या नकली क्योंकि लोग पैसा बनाने के लिए नकली माल आपको पता ही है कितना ज़्यादा ऐप्स बेच रहे हैं ऐप्स तो आप कैसे गाइड करेंगे किसी को भाई फर्स्ट ऑफ़ ऑल देखो मैं ये बोलूँगा कि हमेशा ही जब भी एक कंज्यूमर प्रोटीन ले रहा है मेक श्योर sure कि वो एक बहुत ही रिलायबल और रेप्यूटेड सोर्स से ले okay. चाहे वो डायरेक्टली कंपनी से परचेज़ करे या किसी ऐसी सप्लीमेंट फ्रेंचाइजी से ले जिसने ऑलरेडी अपना रेप्यूटेशन बिल्ड कर लिया है राइट तो एक तो सोर्सिंग आपकी जहाँ से आप परचेज़ कर रहे हो वो पॉइंट ऑफ परचेज़ आपका ऑथेंटिक होना चाहिए और रेप्यूटेड होना चाहिए उसके बाद कभी भी यू you नो know, जो भी उस पर स्क्रैच कूपन या स्क्रैच कोड दिया जाता है ऑथेंटिकेट हाँ करने के लिए मैंने बहुत बार देखा पाजी लोग उसको स्क्रैच करते ही नहीं है वो बस खोल देते हैं खोल देते हैं तो डजेंट इवन मैटर है ना अगर कई फ्रेंचाइजीज भी ऐसी होती हैं जहाँ पे उनके फ्रेंचाइजी ओनर ठीक होता है लेकिन आगे उनके जो एम्प्लॉयज रखे होते हैं क्योंकि एक फ्रेंचाइजी ओनर हर जगह नहीं घूम पाएगा True. तो कहीं ना कहीं उनके एम्प्लॉयज भी हैं वो भी कई बार ब्लैक का सामान निकालना शुरू कर देते हैं और ऐसे इंसिडेंट हमारे पास आए हैं ये चीज हमेशा ही अगर कोई भी प्रोटीन आपको ये फैसिलिटी दे रहा है कि उस पर लगा हुआ स्क्रैच कोड निकाल के ऑथेंटिकेट करो तो वो करो यही चीज़ें उसके बाद तो फिर आपका पेट ही बताएगा सही बात है <laughs> जब एक बार डब्बा खुल गया तो उसके बाद तो फिर आपका पेट ही बताएगा कि ब्लोटिंग हो रहा है क्या हो रहा है है ना जो कि आमतौर पे क्वालिटी प्रोटीन के साथ नहीं होता है पहले मेरा तो सिंपल सा मानना है या तो पाँच सौ अभी बचा लूँ हाँ या डॉक्टर को लाखों रुपये देने के लिए रेडी हो जाओ एब्सोटली भाजी बीमारी एब्सोल्यूटली और इस चीज़ में ना भाजी मैं एक चीज़ बोलूँगा सिर्फ सप्लीमेंट ही हम ऑथेंटिक ले लें वो भी ज़रूरी नहीं है ठीक है ना सप्लीमेंट के साथ साथ आपका फूड भी ऑथेंटिक होना चाहिए एंड ऑफ द डे आई थिंक कि जब मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ है ना मैंने दो साल तक पाजी कोई पैसा सेव नहीं करा टू बी ऑनेस्ट सिर्फ मैंने अपना जिम चलाया हाँ जी ठीक है क्योंकि चंडीगढ़ आते ही मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी ये हो गई थी कि ठीक है अब कमाई बढ़ी है ठीक है तो एटलीस्ट मैं अपने फैमिली को टॉप क्लास न्यूट्रिशन दूँ क्या बात है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो भी जहाँ से बेस्ट एंड ऑर्गेनिक मिला हमने उठाया सप्लीमेंट जहाँ से बेस्ट मिला हमने उठाया ना मैंने पापा को लेके ना मम्मा को लेके ना अपनी वाइफ को लेके कभी भी मैंने मतलब न्यूट्रिशन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा हाँ जी और वही एक सबसे बड़ा रीज़न है दैट उसके उन दो साल के बाद हम सबकी हेल्थ सही रही ठीक है कोविड के टाइम पे माय डैड पास हुए है ना वो, वो सो नहीं कोपअप कर पाए उस चीज़ के लेकिन माई फैमिली नेवर यूज़ टू ड्रैक डाउन इन टू अ बैड हेल्थ कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आई जहाँ पर मुझे अपना काम कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी फैमिली की हेल्थ के ऊपर भाग दौड़ करनी पड़े हाँ जी और ये उन दो साल की इन्वेस्टमेंट है टॉप क्वालिटी फूड पर और टॉप क्वालिटी सप्लीमेंट्स पर पैसा इन्वेस्ट करने की कि आज की डेट में आई एम ग्रोइंग रैपिडली एक फाउंडेशन अच्छा बन चुका है बहुत सारे अलग अलग बिजनेसिस में हम आ चुके हैं ये उस फाउंडेशन का नतीजा है आज की डेट में हाँ जी अगर वहाँ पे मैंने वो चीज़ें ना करी होती तो शायद आज मैं अपने पेरेंट्स को या अपने वाइफ को लेके इधर उधर ही घूमता रहता और निकलता है टाइम हमारे घरों में नॉर्मल घरों में कभी दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है कभी पापा बहुत की तबीयत ठीक नहीं है इनको दिखा लाओ इनका ये ऑपरेशन है इनका वो ऑपरेशन है भाजी इट प्लेज अ बिग रोल एक ओवरऑल आपकी फैमिली की हेल्थ है वो आपकी प्रोग्रेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और हमारी ऑडियंस को या हमारे इंडियन कंज्यूमर्स uh, को ये चीज़ समझनी होगी कि वाई इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑन हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट मेरे को बहुत सारे पाजी, बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि पाजी आ, कोई ऐसा प्रोटीन रेकमेंड कर दो जो बजट में आ जाए पच्चीस सौ तीन हजार के बीच बीच आ जाए मैं सिंपली बोलता हूँ अगर बजट नहीं है मत लो सही बात है अपनी डाइट पूरी करो किसी ना किसी तरीके से चलो कंपनसेट कर लेंगे हम उस चीज को और एक बॉडी बिल्डर कर भी लेता है पाजी वो दिन का 800 ग्राम चिकन खा भी लेगा ठीक है ना पर एक आम इंसान नहीं, नहीं खा सकता नहीं खा सकता तो एक आम इंसान के लिए जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के एम्बिशन रखता है उसको एक अच्छी सप्लीमेंटेशन पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा और एक अच्छे वर्कआउट रेजिमेन में आना ही पड़ेगा तभी जाके प्रोग्रेस शुरू होती है जब आप यहाँ से और यहाँ से हेल्दी फील करते हो सो भाजी आपने एक बात बोली बहुत ही अच्छी कि आपने सप्लीमेंट्स पे और न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया फॉर आपने अपने लिए अपनी फैमिली के लिए अपने एथलीट्स के लिए जी का मोटिव है लिव वेल लिव वेल हमारा है लिव वेल well. हम एटी फाइव पुराने हैं इंटरनेशनल ब्रांड है और हुँ. बहुत कंट्रीज में अवेलेबल है बट जितनी भी मेरी हमारे चैनल पार्टनर से बात होती है वो हमेशा ये है कहते हैं यार अनुराग जो आपके प्रोडक्ट्स हैं ना वो हल्के से प्रीमियम है प्रीमियम इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी कभी भी नहीं बोलते वो लोग हाँ. वो तो है ही है प्राइस हाँ. पॉइंट पे हल्का प्रीमियम है हुँ. वो क्यों है आप लोग क्यों ज़्यादा चार्ज करते हो कंज्यूमर से फिर मेरे को पूरा बैक टू स्क्वायर वन जाना पड़ता है उनको समझाने के लिए हुँ. कि हम ज़्यादा चार्ज नहीं कर रहे जो हमारे अंदर इंग्रेडिएंट्स हम डाल रहे हैं हमारे प्रोडक्ट में ऑल आर लैब टेस्टेड ऑल आर डन फ्रॉम जेन्यून सोर्सेज जो हम प्रोक्योरमेंट हमारी होती है जी. हमारा पूरा वे इम्पोर्ट होता है जी. जितने भी नए नए ब्रांड्स हैं या तो वो मल्टी की अगर मैं बात लूँ वो डी की जगह डी डाल देंगे इम्पोर्टेड वे की जगह इम्पोर्टेड और इंडियन वे मिक्स कर देंगे एस एम पी एड कर देंगे और अमीनो स्पाइकिंग कर देंगे yeah. तो ये चीज़ हम भी अब इनिशिएट कर रहे हैं इंडिया में hmm. कि हम अवेयरनेस करें भाई लानी पड़ेगी बिकॉज सिंपल uh, सी बात बोलता हूँ कि ये पहले ग्राउंड ग्राउंड लेवल पे हम करते हैं हाँ जी है ना एज अ कोच हमें करना पड़ता है अवेयर करना पड़ता है लोगों को हाँ जी कि uh, मतलब कई ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बहुत हंसी की बात है ना मतलब हमें भी क्लाइंट्स ऐसे मिलते हैं कि जिनको ये लगता है कि यार अगर प्लान में जीएमसी मेगा, मेगा माइंड में ये आता है कि यार ये जीएनसी से है, के साथ है तो ये मेगा लिख रहे हैं तो बोलेंगे कि मेगा की और कौन सा ले सकते हैं इसका कोई सस्ता सब्सिट्यूट दे दो हाँ ये बहुत बड़ी चीज है लेकिन वहाँ पे ना भाजी देखो मैंने आज तक लाइफ में सिर्फ दो मल्टीवाइटमिन यूज़ किए हैं और उनमें से भी 90 परसेंट टाइम पे मेगा मैन यूज किया है ओके okay. राइट right. तो मैं उनको दो ऑप्शंस दे देता हूँ अब प्राइजेस सिमिलर है सही बात है ठीक है और दूसरा जो मल्टीवाइटामिन है वो आपको सप्लीमेंट शॉप्स पे मिलता नहीं है वो बहुत किसी भी प्रीमियम जो फार्मेसी है बड़ी फार्मेसी आपको True. वहाँ से मिलेगा ठीक है ना तो ये चीज़ समझनी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इन्ग्रीडियंट्स की पोटेंसी और उनकी एफिकेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है प्राइसिंग में भाजी जब मेगा मैन इंडिया में इंडियन मेड नहीं था हाँ जी मैं तब से मैगामैन यूज़ करता आ रहा हूँ ओके ओके राइट मेरा पहला मैगामैन वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम यू एस ए जो मेरे रिलेटिव लेके आए थे हाँ जी और तब से लेके आज तक मैं और मेरे मामा जी हम दोनों ने यही मल्टी वाइटामिन रखा है और जिस दिन उनको पता चला कि हाँ मैं जी एन सी के साथ एसोसिएट हो रहा हूँ इट वॉज लाइक कि हाँ ये अच्छा किया हमारे पास जी जितने भी इंडिया प्रोडक्ट्स भी हैं ना हाँ। वो सारे फॉर्मुलेट में होते जी एंड वही सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उस मेगा मैन में, में और इस मेगा मैन में, में एक परसेंट कोई फर्क नहीं है ट्रू आमतौर पे बहुत सारे ब्रांड्स जिन्होंने इंडिया में आके मैनुफेक्चरिंग स्टार्ट किया है दे डिटीरियोरेटेड हाँ जी और उन ब्रांड्स का टेस्ट उन ब्रांड्स की एफिकेसी और उनकी जो होती है ना एक तरह से बॉडी के लिए अडेप्टिलिटी वो बता देती है आपकी कि हाँ क्वालिटी चेंज हुई है बट हाँ जी इट्स लाइक like कि जो भी सप्लीमेंट्स मैंने तब के ट्राई करे हुए हुई है ना ए एम पी मैंने नाम भूल गया उनका बहुत फेमस है इंस्टाग्राम पे उन्होंने एक चॉकलेट ब्रांड को कंपेयर करा है वो जो ऑस्ट्रेलिया में बेचते हैं इंडिया में बेचते हैं उसमें मिल्क कॉन्टेंट ऑस्ट्रेलिया में अलग है इंडिया में अलग है शुगर कंटेंट अलग है एक बहुत ही फेमस चिप्स ब्रांड है हम सब जानते हैं मैं नाम नहीं लूंगा इंडिया में वो पाम ऑयल यूज कर रहे हैं बट यूएस में नहीं कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इंडिया में आते ही ब्रांड्स पता नहीं क्यों अपनी क्वालिटी गिरा देते हैं वही पे पा जी समझ नहीं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है देखो तब तक ब्रांड्स को अकल नहीं आएगी जब तक कंज्यूमर को अकल नहीं आएगी सही बात है और ये हार्श लैंग्वेज है आई नो दैट बट समाइम्स हमें लोगों को जगाने के लिए हार्श होना पड़ता है अवर पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ द फूड क्वालिटी और द फूड इन्ग्रीडियंट्स कि उनमें डाला क्या गया है वट इज़ बिहाइंड दैट वही चीज़ जो हम पहले डिस्कस करके हटे हैं देर इज़ अगर मतलब यू you नो know, एक चीज़ आपको महंगी मिल रही है ना तो उसके पीछे क्वालिटी का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है और वो चीज़ आपको तभी पता चलेगी जब आप चीज़ों को कंज्यूम करके देखोगे और अपने दिमाग को खोल के उन चीजों को एनालाइज करोगे कि ये कैसी थी ये कैसी है और अगर मैं एक प्रीमियम चीज ले रहा हूँ तो मुझे डिफरेंस क्या आ रहा है भाई मैं मतलब आपको ये डिफरेंस बता सकता हूँ कि मैन वन टेबलेट डेली वाला लेके और मेगा मैन स्पोर्ट लेके मुझे क्या डिफरेंस फील होता है मैं ये बता सकता हूँ आपको क्या बात है क्यों क्योंकि हमने खुद पे एनालाइज करी है ये चीजें है ना अगर मैं मतलब सुबह अपने मील वन के साथ मल्टी वाइटमिन ले रहा हूँ तो मैं कैसा फ़ील करता हूँ अगर मैं मल्टी वाइटमिन भूल जाता हूँ तब मैं कैसा, कैसा फ़ील करता हूँ आई कैन रिलेट दोज थिंग्स और जब तक कंज्यूमर ये चीज़ें समझनी शुरू नहीं करेगा अपने आप पर अप्लाई करके अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझना नहीं शुरू करेगा ना तब तक अवेयरनेस नहीं आएगी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पाजी इंडिया में ना इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में लोग ना महंगा जिम ढूंढते हैं महंगे शूज़ महंगे कपड़े हर तरफ उनको हर चीज़ प्रीमियम चाहिए सप्लीमेंट्स में कट करते हैं और इवन भाजी मैं मेरे तो ऐसे ऐसे इनकाउंटर्स हुए हैं लोगों के साथ जो सप्लीमेंट supplement, अच्छी सप्लीमेंटेशन पे रिक्वायर्ड एसेंशियल सप्लीमेंट पे पैसा नहीं खर्चना चाहते हैं लेकिन उनको चाहिए कि भाजी स्टेरॉयड का थब्बा दे दो हमें <laughs> क्योंकि भाजी देखो बॉडी बिल्डिंग इज नॉट नेचुरल ट्रू तो वहाँ पे भी अगर आप बॉडी बिल्डिंग के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच नहीं लेके चलोगे ना यू कॉन्ट प्ले इट लॉन्ग मैं आज भी बोलता हूँ कि ठीक है जो भी हमने मेडल्स जितने भी जीते हैं लेकिन हम और जीत सकते थे भाजपा टू बी ऑनेस्ट हम और जीत सकते थे इफ वी पुश दी अनबल्ब राइट लेकिन हमने वो नहीं किया हमने हेल्थ को हमेशा प्रायोरिटाइज किया जहाँ पे मुझे लगा कि एक पॉसिबिलिटी है कि एक बहुत बढ़िया एथलीट है ना एनाबॉलिक्स को ओवर यूज करके एक ही साल में कार्ड निकाल सकता है या कुछ भी निकाल सकता है ठीक है ना? लेकिन हमने उसको होल्ड करके बैक पे रखा एक साल और लुक एक साल और देते हैं भाई हमें लंबा चलना है हमें एक्चुअल में प्रो कार्ड के लिए नहीं उसके अगले स्टेप्स के लिए खेलना है hmm. वो कैसे खेला जाएगा जब आप एक बॉडी बिल्डिंग को हेल्दी और होलिस्टिक अप्रोच के साथ करोगे hmm. एक अच्छी डाइट प्योर डाइट ऑर्गेनिक डाइट पे रिलाई करोगे ऑथेंटिक सप्लीमेंट्स पे जिनमें इंग्रेडिएंट्स की एफिकेसी है उन पे रिलाई करोगे तब जाके आप इस गेम में लंबा चल सकते हो hmm. तो इंग्रेडिएंट्स मैटर करते हैं ट्रू तो पाजी वे प्रोटीन का एक और मिथ हम बस्ट करते हैं इस पॉडकास्ट में कि उन लोगों को वेट गेन वेट लॉस में हेल्प करता है क्या वो सच है अगर नहीं है तो क्यों भाई आई वुड से कि प्रोटीन जब आप लोगे एक अच्छा प्रोटीन लोगे और डाइट में भी अपना प्रोटीन पूरा करोगे एक्चुअल में आपका फैट लॉस ईजी हो जाता है डाइट का मतलब एक बैलेंस डाइट जिसमें आपकी कैलरीज डिसाइडेड हैं अगर उसमें आप प्रोटीन ऐड ऑन करोगे हाँ जी तो आई थिंक कि आपको आपके मसल्स को रिकवरी मिलेगी आप रिफ्यूल अच्छे से हो पाओगे ठीक है ना और जितने इजीली और जितने जल्दी आपके मसल्स रिकवर हो रहे हैं उतना ही बेटर आपका फैट लॉस प्रोसेस होगा और प्रोटीन कभी वेट गेन नहीं देता वेट गेन कौन सा देता है जो डुप्लीकेट है स्टीरॉयड कंटेमिनेटेड है ऑथेंटिक सोर्स से नहीं लिया गया है वो वेट गेन दे सकता है पाई दी फैट लॉस एज अ टॉपिक पहले वेट लॉस बोलते थे फैट लॉस बोलते हैं लोगों को बहुत चैलेंजेस आते हैं पतले होने में जी गेनिंग भी टफ है बट इंडिया में कंसर्न पतला होना ज़्यादा है एज पर माई नॉलेज आई कैन बी रॉन्गोट आई कैन बी रॉन्गो तो अगर आप किसी को भी कोई टिप देना चाहो कि कैलरी डेफिसिट क्या होता है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कैलरी डेफिसिट क्या होता है आप पतले कैसे होते हो थोड़ा आप अगर एक्सप्लेन करें इस बारे में भाई दो तीन चीजें ये हैं फर्स्ट ऑफ ऑल की पतले होने के लिए लेमेन लैंग्वेज में क्रैश डाइटिंग मत करो क्योंकि अगर ये टर्म्स जो हमने दो डिस्कस करी है ना फैट लॉस और वेट लॉस दोनों वाकई डिफरेंट है क्रैश डाइटिंग पे आप मतलब रोटी चावल सब कुछ छोड़ के है ना वेट लॉस कर लोगे नंबर्स में तो आप लॉस ले लोगे हुँ. लेकिन जैसे ही उसके बाद आप अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल में आओगे आपका वेट फिर से गेन होगा हुँ. तो एक्चुअल में जो फैट लॉस है दैट इज मोर ऑफ अ मेटाबॉलिक थिंग जहाँ पे आपको अपने मेटाबॉलिज्म को और अपने मसल मास को इनक्रीज करना है ज, जैसे जैसे आपकी बॉडी में मसल मास एड ऑन होता जाएगा आपकी बॉडी लीन होती जाएगी और ट्रिक वही है एक बैलेंस न्यूट्रिशन एक अच्छी ट्रेनिंग और उसके बाद अच्छी रिकवरी और उनमें इम्पॉटेंट इन्ग्रीडियंट्स योर डाइट योर सप्लीमेंटेशन ये रोल प्ले करते हैं और इनको भी अपने बजट के हिसाब से और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एड ऑन करो हुँ. अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता है डोंट गो फॉर द फैंसी सप्लीमेंट्स भाजी डोंट गो फॉर द पेरी फेरी सप्लीमेंट्स जस्ट रिलाय ऑन द बेसिक्स बट डाइट बैलेंस्ड हो जो भी सप्लीमेंट आप ले रहे हो उनको एक पर्पज़ के साथ लो ना कि टेस्ट के साथ और एक रिकवरी पे अच्छा ध्यान दो और बैलेंस डाइट इज की टू सक्सेस अगर फैट लॉस आपको करना है हाँ जी और अच्छी वेट ट्रेनिंग हाँ जी क्योंकि वो आपके मसल मास को स्टिमुलेट करेगी और जितना आपका मसल मास इम्प्रूव होता जाएगा उतना ही आपकी बॉडी की कैपेबिलिटी टू रिमेन लीन वो बढ़ती जाएगी भाजी अगर आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना वॉट इज कैलरी डेफिसिट वो क्या होता है कैलरी डेफिसिट भाजी आपका वेट नब्बे किलो है ठीक है और पिछले एक महीने से आप नब्बे किलो पे ही हो ठीक है ठीक है ना वो आपका मेंटेनेंस है कुछ हिल नहीं रहा कुछ नहीं हो रहा डेफिसिट मींस आपने मतलब डेली के आपके हो रहे थे मान के चलो कि 400 ग्राम राइस हो रहे थे और चार चपाती हो रही थी तब आपका वेट 90 के था स्टेबल था अब आपने क्या करना है चार की जगह तीन ग्राम राइस करने हैं ठीक है ठेके? और चार चपाती की जगह तीन चपाती करनी है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिलेगा दैट इज डेफिसिट दैट इज डेफिसिट ठीक है ना उसको थोड़ा कम किया दैट इज़ प्लेन इन प्लेन टर्म्स दैट इज डेफिसिट और कई बार क्या होता है कि हम सोच सोच लेते हैं कि इस चीज़ को इस चीज़ के साथ रिप्लेस कर लें हाँ जी है ना वहां पे आपको कैलोरी कॉन्शियस होना पड़ेगा कि अगर आप इस चीज़ को इस चीज़ के साथ रिप्लेस कर रहे हो हाँ जी तो उसमें क्या कैलोरी सेम है दो रोटी और दो सौ ग्राम चावल सेम नहीं होते ठीक है कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिफरेंस आएगा ही आएगा उनमें तो बस अपने कैलरीज कैलकुलेट करके चलें बेसिकली जहाँ पे आके जिस कैलरीज पे आके आपका वेट लॉस एक किलो भी होना शुरू हो दैट इज़ डेफिसेट तो वही एक बेसिक प्रिंसिपल है आपके फैट लॉस का आपको डेफिसिट बड़े नहीं देने हैं ओके okay. छोटे छोटे डेफिसिट्स देने हैं उन डेफिसिट्स पे काम करना है और अपनी ट्रेनिंग में प्रोग्रेशन देते जाना है और डाइट में डेफिसिट्स बिल्कुल छोटे छोटे देते जाना और वही आपको लंबे टाइम तक और मैं कभी अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आए बिना पाजी कि मुझे तीन मंथ में ही करना है ये करना मैं नहीं लेता आज की डेट में हम उन क्लाइंट्स को लेते ही नहीं है वी ऑलवेज टेक कि आप हमारे पास आओ तसल्ली से छः से नौ महीने लगाओ ताकि उसके बाद आपको किसी कोच की ज़रूरत दोबारा पड़े ही ना हाँ जी ये चीज़ें आप समझ के अपने आप पे अप्लाई करो भाजी एक ना बहुत अनफॉर्चुनेट पार्ट है अगर जिम में जाए और दस लोग हो ना तो मेजोरिटी मेल होते हैं ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है फॉर इंडिया एज अ कंट्री एग्जैक्टली धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है अब फिटनेस की हमारे लोगों में हमारी जनरेशन में आपकी जनरेशन में और गोइंग फॉरवर्ड जनरेशन में फीमेल के दिमाग में एक मिथ है कि वो अगर वेट ट्रेनिंग करेंगी तो वो ब्रॉड हो जाएंगी शी विल लुक मैनली प्रोटीन नहीं लेना चाहिए हम ब्रॉड हो जाएंगे टेंडेंसी फीमेल बॉडी की होती है दैट दे वॉन्ट टू लुक लीन टू लुक थिन जी उस पर अगर आप कुछ बताना चाहें कि क्या वेट ट्रेनिंग ब्रॉड करती है फीमेल्स बिल्कुल भी नहीं मैं तो ये मानता हूँ कि एक इफेक्टिव फैट लॉस आपका वेट ट्रेनिंग के बिना हो ही नहीं सकता वेट लॉस हो जाएगा लेकिन फैट लॉस नहीं हो सकता फैट लॉस नहीं होगा वो आ, आप दोबारा रही है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स एक्चुअली हमारे हाउसवाइफ सेगमेंट में यही है पतला होना चाहती हैं लेकिन या तो वो मिथ से घिरी हुई हैं या वो आलस से घिरी हुई हैं स्पेशली मॉम्स मेरे को लगता है जो एग्जेक्टली exactly. तो ये है कि अब चलो हम हमारी क्रेडिबिलिटी इस इंडस्ट्री में इतनी हो चुकी है कि एटलीस्ट हमारे पेरेंट्स हमारी बात सुनने लग गए हैं <laughs> नहीं आमतौर पे सुनते ही नहीं है सही बात है तो बिना वेट ट्रेनिंग के और बिना प्रोटीन इनटेक को इनक्रीज करे हुए अच्छा फैट लॉस आपको नहीं होगा बल्कि हेल्थ इश्यूज आपके बढ़ेंगे और यही एक और भी पाजी एक चलो अब ये एक सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट आ रही है कि जितनी यंगर जनरेशन है फीमेल्स की दे आर कंज्यूमिंग वे प्रोटीन और कंपेरिटिवली उनको हमारी एक जनरेशन थी जो हमारी ग्रैंड मदर्स वाली थी हाँ जी वो बहुत हेल्दी थी हाँ जी ठीक है ना क्योंकि उनका फिजिकल वर्क बहुत रहता था लेकिन एक जो टिपिकल जनरेशन है ना जो हमारी मॉम्स की जनरेशन है उसका बहुत बड़ा पार्ट एक अनहेल्दी है और रीज़न यही है लैक ऑफ प्रोटीन इनटेक काम में घुसे रहे सेहत का ध्यान नहीं दिया उन लोगों ने और बेसिक सप्लीमेंटेशन उन्हीं उन्होंने पूरी नहीं करी है मतलब आज की डेट में भी मैं लोगों को सुनता हूँ जो बोलते हैं अगर किसी को रेकमेंड कर दो ना किसी पड़ोसी को मल्टीवाइटमिन ले 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 अभी से दवाइयाँ लेनी शुरू कर है ये बात है नहीं वो दवाइयाँ नहीं है वो न्यूट्रिशन है क्योंकि भाजी ये मान के चलिए कि नाइन्टी इंडियंस को क्वालिटी फूड भी नहीं मिल रहा है क्वालिटी फ्रूट्स वेजिटेबल्स जहाँ से उनके उनको वाइटमिन और मिनरल्स मिलने हैं नहीं मिल रहे हैं उनको वो कहाँ से पूरे होंगे और मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट क्रूशल फंक्शंस आपकी बॉडी में अगर सबसे ज़्यादा वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शंस को पूरा करने का काम करता है तो दोज आर द वाइटामस तो इन चीज़ों के लिए हमें अवेयर होना पड़ेगा वे प्रोटीन आपको ब्रॉड नहीं करेगा वेट ट्रेनिंग आपको ब्रॉड नहीं, नहीं करेगी बल्कि ये आपकी हेल्थ के लिए सबसे इसेंशियल पार्ट है इनको निगलेक्ट नहीं करना होगा टेस्ट टेस्टर ऑन एज अ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया नॉर्मल लोगों में भी लड़कों के दिमाग में मिथ हो गया कि दे नॉट बी एबल टू पार्टनर और गिव बेटर परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस इश्यूज बहुत ज्यादा हैं लड़कों के दिमाग जी, में। जी। और वो मेंटल ब्रेकडाउन करते हैं जो मेरा मानना है बूस्टर्स लोग लेने लग हैं, बहुत फ्रीकुनटली बट एक नेचुरल तरीका क्या है टेस्टेस्टर ऑन को मेनटेन करना स्लीप हो गया मील हो गई वैन मतलब कैसे कर है सकते हैं दोनों चीजें आप बता चुके हो एक अच्छा रेस्ट और एक अच्छी डाइट hmm. एक बैलेंस डाइट एंड वर्कआउट एंड वर्कआउट ऑब्वियसली तो इन तीनों के अलावा देर इज़ नो मैजिक पेल नथिंग इज रिक्वायर्ड आई थिंक कि भाजपा मेरी थर्टी uh, फाइव होने वाला हूँ आज तक मैंने कभी टेस्टोस्टेरोन बूस्टर यूज़ नहीं करा द ओनली थिंग इज रिमेन एक्टिव ईट गुड रेस्ट गुड और ठीक है कई लोग जिनमें कोई ना कोई मीन्स की एक बॉडी इशू आता है जहाँ पे बॉडी बाय चांस बनाना ही कम कर देती है और वो रिकवर नहीं हो पाते देन दे कैन गो ऑन टू द टीआरटी बट बहुत यंग उम्र में टेस्टोसिरोन यूज़ करना एज एन एनहांसर या इरेक्शन पिल्स यूज़ करना दैट्स सीरियस इशू मतलब हम क्या ही उन लोगों को लॉन्ग टर्म में क्या ही देखेंगे hmm. अगर आपको ट्वेंटी फाइव और थर्टी की एज में आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन नॉट फॉर बॉडी बिल्डिंग बट परफॉर्मेंस इन्हांस करने के लिए राइट एंड इशन पिल्स आपको लेनी पड़ रही हैं देन यू आर इन अ बैड स्टेट क्या रिवर्सेबल रिवर्से है एब्सोल्यूटली यही चीजें बेसिक्स हैं बेसिक्स hmm. आपको बेसिक्स पे ही रिलाई करना पड़ेगा hmm. अच्छी ट्रेनिंग अच्छा रेस्ट आज की यंग जनरेशन में सबसे जो हाईएस्ट नगलेक्टेड पार्ट है ना भाजी वो है रेस्ट रेस्ट hmm. क्वालिटी नहीं है hmm. सोने को सो जाते हैं दो बजे सो रहे हैं तो मतलब उस रेस्ट की क्वालिटी नहीं है hmm. उठ रहे हैं मेरा सिर्फ उठने का काम होता है सैटरडे संडे क्योंकि एथलीट स्पीक करने होते हैं hmm. लेकिन उसके अलावा आई यूज टू स्लीप मैं फोन बंद कर देता हूँ अपना अगर मैं एक बजे सो रहा हूँ तो सात बजे उठूंगा वो क्वालिटी जैसे आप उठते हो ना आपको पता चल जाता है आपका दिन कैसा निकलने वाला है राइट right, जब आप बेड से उठ के सही खड़े होते हो ना तभी आपको पता चल जाता है कि आपका दिन कैसा होने वाला है सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि अपने डेली लाइफ चीजों को ट्रैक करना बहुत जरूरी है जो कि आज की हमारी यंग जनरेशन बिल्कुल भी नहीं कर रही आई थिंक की नाइनटी यंग पीपल आर नॉट इवन अवेयर ऑफ देयर कि उनकी बॉडी में क्या चल रहा है हाउ दे आर फीलिंग बस दे आर लिविंग इन जस्ट सच एन आर्टिफिशियल वर्ल्ड है ना मेट्रो देखो कहीं पे देखो बस स्क्रॉलिंग चल रही है बड़ी स्क्रॉलिंग चल रही है नो बडी सीरियस अबाउट देयर हेल्थ नो बडी सीरियस अबाउट देयर लाइफ गोल्स एंड नो बडी सीरियस अबाउट देयर फैमिली प्लानिंग दैट हाउ वी गुना ग्रो एज अ फैमिली ये एलिमेंट मिसड है मिसिंग है टोटली मिसिंग है आज की डेट में तो जब भी मैं अपनी टीम से बात करता हूँ क्या आप लोग वर्कआउट क्यों नहीं करते जिम क्यों नहीं जाते हर बंदे का ये बहुत एक मैंने यूजुअल आंसर देखा है टाइम नहीं अनुराग ऑफिस से लेट हो जाते हैं घर पहुंचते हैं थके हुए होते हैं सुबह उठ जाते हैं फिर आना होता है काम पे एक डेढ़ घंटे आने जाने का रास्ता यार थक जाते हैं उन लोगों को कैसे मोटिवेट किया जाए क्योंकि ये तो बहुत बड़ी जनता है पर जी पता क्या देखो उन लोगों को आप मोटिवेट कर ही नहीं पाओगे जब तक उनकी हेल्थ उनको वार्निंग साइंस नहीं देगी और बहुत सारे लोग तभी होते हैं तभी मोटिवेट होंगे जब उनकी हेल्थ उनको वार्निंग साइंस देने शुरू कर देगी या कोई अलार्मिंग सिचुएशन आएगी तभी वो अपना फोन अपना लैपटॉप या अपना नेटफ्लिक्स छोड़ के तभी वो टाइम वर्कआउट को डिवोट करेंगे पर जी मैं आप ना जो भी लोग ये बहाना लेता है ना कि उनके पास टाइम नहीं है कुछ ना करो उनका फोन खोल के उनका स्क्रीन टाइम देख लो एक बार हुँ। 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 स्क्रीन टाइम आपको हकीकत बता देगा कि इस बंदे के पास कितना टाइम था जो इस बंदे ने बर्बाद किया सही बात क्योंकि आज आज की डेट में तो ऐप्स का भी ब्रेकडाउन आ जाता है हाँ। कि इंस्टाग्राम पर कितना टाइम लगाया है ठीक है ना अगर आपका इंस्टाग्राम टाइम आपके व्हाट्सअप टाइम से ज़्यादा है देन यू आर अ फेलियर एक ना बहुत फनी चीज़ सुनी मैंने अभी रिसेंटली जब आप, आप आई में बेड पे हो गए ना तब आप भगवान को पता क्या बोल रहे हो गए भगवान आज बचा दे कल से डेली जम जाऊँगा हाँ आज बचा दे बस आज उठा दे यहाँ से ये बहुत बड़ी चीज़ है मैंने सुनी है कि उस टाइम पे बंदा जब हिट करती है ना कोई भी हेल्थ इशू तब हाँ। कहता है कि यार भगवान आज निकाल दे कल से देखो मैं क्या क्या दिखाता हूँ भाई जी मैं ये सोचता हूँ उस टाइम पे मैं ये सोचता हूँ कि यार सात बिलियन की पॉपुलेशन है भगवान किस किस के लिए फ्री हो गए <laughs> <सही भाँ। laughs> <laughs> कुछ मैसेज उनसे भी हो जाएंगे <laughs> <laughs> तो यही है कि वट इज़ राइट नाउ टेक केयर ऑफ दैट ठीक है ना ये टाइम वापस नहीं आएगा ये नेग्लिजेंस वापस नहीं आएगी ठीक है और ये आपको कॉस्ट करेगी ही करेगी और टिपिकली भाजी बॉडी बिल्डर्स के लिए तो ये चीजें टाइम मैनेजमेंट एक्चुअल में आई थिंक कि जो बंदा सिंसियरिटी के साथ बॉडी बिल्डिंग करता है ना भाजी एक डिसिप्लिन के साथ ही इज अ मोर सक्सेसफुल पर्सन बाकी लोगों से एक आम जनता से वो एक सक्सेसफुल बिल्डर बन जाता है नॉट जस्ट अ बॉडी बिल्डर बट एक अ लाइफ बिल्डर क्योंकि उसको पता होता है कि टाइम को कैसे मैनेज करना है मुझे कौन सा टाइम कहाँ पे देना है hmm. और ये चीज़ हमें भी बहुत चीज़ें सिखा के गई है hmm. और इट्स नेसेसरी सो पाजी हमारे एक राउंड का नाम है सिक्सटी सेकेंड्स विद जी एन सी इसमें हम फटाफट क्वेश्चन पूछते हैं फॉर ऑडियंस जिन लोगों के पास टाइम नहीं है ताकि उन लोगों को जल्दी जल्दी इंस्परेशन और नॉलेज मिले तो भाजी पहला सवाल आपकी इंस्परेशन कौन है जोर्जरा जॉर्जरा आप प्री वर्कआउट स्नैक में क्या लेते हो राइट नाओ आई एम नॉट ईटिंग एनी थिंग क्योंकि फास्टेड ही है टाइम okay. ही उस टाइम होता है सुबह तो घर से निकलने से पहले वे प्रोटीन एक स्कूप hmm. और उसके बाद बी सी डब्लु या ई डब्ले वट एवर जिसका भी मन कर रहा हो वो ले लेता हूँ जो भी फ्लेवर अच्छा लगे तो वो ले लेता हूँ बिकॉज पहले वेट ट्रेनिंग होता है उसके बाद मेरा बैडमिंटन होता है तो आई जस्ट कीप ऑन सीपिंग दैट फेवरेट मील जब आप प्रेप पे नहीं हो या आप स्ट्रिक्ट डाइट पे नहीं हो क्या पसंद है खाने में प्रेप में तो होता ही नहीं मैं अच्छा <laughs> अब तो क्योंकि मेजरली uh, फोकस सारे का सारा कोचिंग पे ही है लेकिन जो फेवरेट uh, मैं चीज़ पसंद करता हूँ वो आमतौर पे मेरा होता है जो मेरा लंच होता है दैट इज़ जनरली जो मैं खुद बनाता हूँ आमतौर पर दैट इज़ मलाई चिकन ग्रेवी वाला ठीक है लेकिन मैं घर पर बनाता हूँ अच्छे तरीके से बनाता हूँ अच्छी कुकिंग करता हूँ उसमें तो वो और उसके साथ रोटी सैलड दैट इज माई राइट नाउ द फेवरेट गोइंग ऑन फेवरेट एक्सरसाइज बॉडी पार्ट बोल सकते हैं आप बाई सेप चेस्ट बैक एनी थिंक फेवरेट जो आपको मन करता है कि जब आप डाउन वाले डेज में हो क्या ये करूँगा आई थिंक बैक बिकॉज बैक में क्या होता <coughs> है कि वो ये ना कि एक चैलेंजिंग चीज़ होती है बैक में यू हैव टू बिल्ड रियली गुड मसल माइंड कनेक्शन अगर आपको बैक को अच्छे से ट्रेन करना है hmm. तो uh, हाँ ठीक है जहाँ पर मुझे लगता है कि हाँ पुश करना है एंड टेस्ट uh, करना है देन बैक फेवरेट कार्डियो एक्सरसाइज इन जिम बट बैडमिंटन नहीं इन जिम जिम में क्या पसंद है ट्रेडमिल वॉक ट्रेडमिल हाँ वो मेरे घर पे भी पड़ा है और जिम में भी होती है इनक्लाइन ट्रेडमिल वॉक इनक्लाइन है ना और उस पर पॉडकास्ट सुनते रहना समथिंग hmm. प्रोडक्टिव hmm. तो वो चीज़ टॉप रिकवरी टिप फॉर जिम गोइंग फर्स्ट ऑफ ऑल एक hmm. पूरा बैलेंस मील प्लान hmm. देन डोंट मिस आउट ऑन अ गुड क्वालिटी मल्टीवाइटामिन मैं बार बार इस चीज पे स्ट्रेस देता हूँ बिकॉज बहुत क्रूशल है hmm. तीसरा स्लीप स्लीप ये मैटर नहीं करता कि आप आठ घंटे सो रहे हो या दस घंटे सो रहे हो hmm. आप छः घंटे भी अगर आप प्रॉपर डीप स्लीप ले रहे हो hmm. देन यू आर गुड टू गो कार्डियो वेट ट्रेनिंग के पहले या बाद में Anytime. Anytime. Yeah. करना है. करना है. <laughs> बस करना है करना है So, Paji, thank you so much. We'll wrap Pleasure, this Paji. podcast, Pleasure. and we are glad to have you as a GNC family member. Thank you so much, Paji. Thank you. Thank Paji. you.